हमने एक छुटपन में किस्सा सुना था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के उरई जालौन जिले से आता हूं, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट सबसे ज्यादा मजबूत रहा और बीएसपी के सबसे पहले विधायक भी 1989 में चैनसुख भारती वहीं से जीते थे। तो हमने सुना था कि एक कोई पत्रकार हैं और जो बीएसपी के फाउंडर हैं कांशीराम, वो उनके यहाँ सवाल जवाब करने गए और उन्होंने बदसलूकी कर दी। फिर मैं जेएनयू आया, तो जेएनयू में मैंने तो हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई की, मेरी पत्नी ने एसआईएस इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई की। फिर लोगों ने पूछा साहब आगे क्या करना चाहते हो, क्योंकि साहित्य पढ़ के ज़्यादातर लोग अध्यापक बनते हैं। तो मैंने कहा मुझे जर्नलिज्म में जाना है। तब मुझे आशुतोष का दूसरा परिचय मिला, यार हमारे यहाँ देखिए एसआईएस से गए कितना अच्छा कर रहे हैं, वो दूसरा परिचय था। जब मैं न्यूज़ रूम में आ गया आज तक के, और आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया पत्रकारिता छोड़कर, तो मैं भागा और टेप में जो कांशीराम वाला प्रकरण था उसको निकलवाया, क्योंकि तब तक वो प्रकरण यूट्यूब पे या कहीं भी डिजिटल फॉर्मेट में नहीं था। अच्छी चीज़ ये है आशुतोष की कि जब हमने उनसे कहा कि ये लल्लन टॉप अड्डा है, नौजवान बैठते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं और अनौपचारिक किस्म से पूछ लेते हैं, अनौपचारिक ढंग से, तो वो बहुत खुशी के साथ उन्होंने स्वीकारोक्ति की। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, पता नहीं तुम लोग क्या खिंचाई करोगे। तो राजनेता जब होता है कैमरे के सामने होता है तो उसको तमाम मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए, पार्टी के अनुशासन का ध्यान रखते हुए सवालों के जवाब देने होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर राजनेता आशुतोष से ज़्यादा पत्रकार आशुतोष, लेखक आशुतोष और जेएनयू का वो नौजवान आशुतोष है जिसने तमाम धाराओं के खिलाफ जाकर एक नया रास्ता चुनने की हिम्मत दिखाई है। जोरदार तालियां आशुतोष के लिए। सौरभ अब जेएनयू के भी हैं और जो परिचय दिया उसमें इन्होंने थोड़ी सी सभ्यता भी बरती। इन्होंने कहा बदसलूकी हुई, हकीकत ये थी कि थप्पड़ पड़ा था और बहुत ज़ोरदार का थप्पड़ पड़ा था। और वो वाक्या मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं बहुत यंग था और मुझे नहीं मालूम कि पत्रकारिता में लिखने के साथ साथ पिटना भी पड़ता है, और उसकी वजह से लोगों ने जानना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़िंदगी में अगर मैं किसी एक चीज़ का सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा एक टर्निंग पॉइंट था, तो वो मैं बार बार यही कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो मेरा एडमिशन हुआ और जो मैंने वक्त गुजारा वो। इसलिए सौरभ से ये रिश्ता बहुत दूसरे तरीके का रिश्ता हो जाता है। जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को जानते हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भले ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुछ भी तस्वीर पेंट करने की कोशिश की जाए, वैसा इंस्टीट्यूशन वैसी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में न दूसरी कभी है न कभी होगी, जहाँ पे मेरे जैसे आदमी को जो एक बहुत छोटे शहर से निकला, जिसके अपने कुछ ख्वाब थे और जो पहली बार जब दिल्ली आया तो उसको कनॉट प्लेस के अंदर सड़क पार करने में डर लगता था, जब कोई अंग्रेजी बोलता था तो उसको डर लगता था, जब वो किसी फाइव स्टार होटल में जाता था तो उसको डर लगता था। लेकिन वो एक ऐसा विश्वविद्यालय था, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया कि आज मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। तो इसलिए मैं सौरभ से मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग है उस लिहाज से। सर, जिस तरह आपने पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में लिया और आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, जिस तरह आम आदमी का जो मुद्दा था भ्रष्टाचार मिटाने का और जो नैतिक एक मुद्दा था, आप ये नहीं समझ रहे कि आप दो तीन सालों में जो मुद्दा था वो भटक रही है पार्टी, और कैसा लग रहा है आप वहाँ अभी जुड़ के? बिल्कुल नहीं, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मसले पर किसी तरीके का कोई समझौता कभी नहीं करेगी। ये मैं मान सकता हूँ कि समाज से लोग हमारी पार्टी के अंदर आए हैं तो उसमें कुछ लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान और हमारी परीक्षा इसमें होगी कि अगर मुझे पता चल जाए कि हमारे यहाँ कोई करप्ट है या उसने कुछ गलत काम किया है तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करती है नहीं कार्रवाई करती। अकेली पार्टी है जिसके एक मंत्री पर यह आरोप लगा, और किसी पहाड़ के आदमी ने नहीं लगाया, हमारे अपने वॉलंटियर्स ने कुछ सबूत पेश किए और हमने 30 सेकंड नहीं लगाया उसको पार्टी से बाहर करने में। तो ये इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होगा, और जिस दिन कॉम्प्रोमाइज़ होगा उस दिन मैं नहीं रहूँगा वहाँ।
सर आपने वहाँ मेन हॉल में ये बोला कि आपने पत्रकारिता इसलिए छोड़ी क्योंकि पत्रकारों का दलाल कहना शुरू हुए लोग, लेकिन सर और कोई कारण ऐसा इसके अलावा? लेकिन आपने ये क्यों कहा कि दलाल कहना शुरू हो गया इसलिए आपने छोड़ दिया? वो तो अभी भी कहा जाता है सर, मतलब हर कोई छोड़ देगा पत्रकारिता? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि सच को सामने रखना पड़ेगा, अगर कोई दलाली कर रहा है तो उसको दलाल कहना पड़ेगा, ये मैंने कहा था। जहाँ तक पत्रकारिता छोड़ने का सवाल है, मैं आज भी अपने स्वभाव से और अपने तबीयत से मैं आज भी पत्रकार हूँ। तमाम वेबसाइट्स के लिए मैं रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन लिखता हूँ। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ये कि पत्रकारिता में आप सवाल खड़े करते हो, आप लोगों के सामने सवाल पूछते हो, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश समाज और राजनीति को करनी पड़ती है। क्योंकि सवाल एक समय पत्रकारिता की एक सीमा है। अगर मान लो मुझे लगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो मैंने उसको बहुत जोरदार तरीके से उठाया, लेकिन अगर समाज उस पर रिएक्ट करना बंद कर दे, समाज रिएक्ट ना करे, राजनीति रिएक्ट ना करे तो क्या होगा? तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। मुझे ये लगा कि आज एक ऐसा वक्त आया है जब अब हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को बदलना चाहिए। हर आदमी कहता राजनीति बहुत गंदी है, हर आदमी कहता राजनीति में भ्रष्टाचार है, हर आदमी कहता राजनीति में बेईमान है। जब बेईमान ही राजनीति चलाएंगे तो राजनीति बेईमान होगी, इसलिए ईमानदार लोगों को उसमें आना पड़ेगा। इसलिए शायद मैंने ये फैसला किया, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन जी। आशुतोष अगला सवाल। सर चुनाव से पहले या चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद आप लोगों ने जनमत संग्रह करवाया था। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपने अपने लोकप्रियता का सर्वे अभी जनमत संग्रह करवाया है अभी के समय में? लोकप्रियता तो घटती बढ़ती रहती है, लोकप्रियता कोई एक बहुत कांस्टेंट चीज नहीं है। असली चीज यह है कि आप जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उस पर आप अटल हैं, अडिग हैं या नहीं। कभी कभी आपको कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो लोगों को पसंद नहीं होगा। नेता वो नहीं होता जो जनता के पीछे चलता, नेता वो होता जो जनता के आगे चलता है। तो इसलिए जनमत संग्रह पे मत जाइए। जनमत संग्रह जब हमने कहा था तो हमने ये कहा था कि जो सरकार के बहुत बड़े फैसले होंगे, ऐसे फैसले जो समाज की दिशा को तय करते हैं, उस पर लोगों के बीच में जाके हम उनकी राय लेंगे। लेकिन अगर रोजाना सरकार का जनमत संग्रह करेगी, हर फैसले पर करने लगेगी, तो फिर तो फैसला इस देश के अंदर नहीं होगा। नमस्ते आशुतोष जी, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए दिल्ली में, कुछ अच्छे हुए कुछ बुरे हुए, इट डिपेंड्स, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में अभी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अभी लड़ने के? आशुतोष जी हम लाइव कर रहे हैं, ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जब लोकसभा के चुनाव में उतरी थी तो इसके जो बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, वो बनारस में जाकर चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुकने आया हूँ, मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ कि हेलीकॉप्टर से आऊँगा और जीत के चला जाऊँगा। मगर उसके बाद से आम आदमी पार्टी की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि यूपी में चुनाव हैं, पंजाब और गोवा को लेकर आप लोगों की जोरदार तैयारियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं? और अगर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं, तो क्यों नहीं? देखिए अभी आप ये मान के चलिए कि हम उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ मान के चलिए, क्योंकि एक पार्टी का एक अनुशासन है, उस अनुशासन के तहत पीएससी उसका फैसला करती है। मेरी व्यक्तिगत राय कुछ भी उसका कोई मायने नहीं होता, लेकिन जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं उसमें नहीं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। हम दिल्ली में सत्ता में है, लेकिन दिल्ली में सत्ता होने के बावजूद भी हमारे पास फंड के नाम पे 0/0/0 है। और वो 0/0 क्यों है? एक दिन ऐसे पार्टी के अंदर चर्चा हो रही थी कि पार्टी चलेगी कैसे, हमारा जो दफ्तर है उस दफ्तर को चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो अरविंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार देखो मैं सरकार के अंदर हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं चाहूँ तो एक महीने के अंदर 100 करोड़ रुपये आ सकते हैं, लेकिन जिस दिन वो 100 करोड़ रुपये आने की बात होगी उस दिन मैं पार्टी बंद करना पसंद करूँगा, उनका उस दिन मैं पार्टी बंद कर दूंगा। ये अलहदा पार्टी है पूरे देश के अंदर की, जब पार्टियां सरकार के अंदर जाती हैं तो पैसा उनके पास भयानक तरीके से बढ़ जाता है। अकेली पार्टी है जो सरकार के अंदर है तो माइनस है, नेगेटिव में है, लेकिन यही हमारी ताकत है। अगर हम गलत तरीके से फंड इकट्ठा करेंगे, गलत तरीके से अगर हम पैसे लेंगे, तो हमें आपको और समाज को बदलने की बात कहने का जो हमारा आंदोलन है वो कहने का अधिकार नहीं होगा। तो जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश हमारा कमिटमेंट है और हमें मालूम है कि अगर इस देश की राजनीति को पूरी तरीके से बदलना है तो आपको उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी रणनीतिक स्तर पर अभी ये लगता है कि अभी हम सिर्फ
गुजरात अभी सिर्फ पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ सकते हैं। गोवा बहुत छोटा स्टेट है, पंजाब में हमारे लिए माहौल बहुत अच्छा है, तो वहाँ की राजनीति को अगर हम नियंत्रित कर पाए, वहाँ की राजनीति को हम सरकार बना पाए, तो उसको एक बिल्कुल दूसरे तरीके का मैसेज जाएगा कि बिना पैसे के, बिना धन बल के भी आप चुनाव लड़ सकते हैं और ईमानदार लोगों को चुना जा सकता है। ये मिथ हमने दिल्ली के अंदर तोड़ा था, लेकिन लोग कहते हैं ये तो तुक्का है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर, आप मेरी बात को यकीन करिए, हम 2/3 बहुमत से जीतने जा रहे हैं। नेताजी का दावा दिलचस्प है, आखिरी फैसला जनता करेगी और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्योंकि अनौपचारिक बात हो रही है आशुतोष, और मैं पत्रकार हूं, आपने भी माना आप अभी हैं, इसलिए मैं ये सवाल पूछने से बाज नहीं आऊंगा। मैं पिछले दिनों चंडीगढ़ गया और वहां पर चाय खाने और पब्स में जो चर्चा है, वो चर्चा मैं बता रहा हूं। आपने पंजाब का जिक्र किया, वहां पर लोग ये कह रहे हैं हाँ अच्छे चांसेस हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के, और अगर वहां पर झाड़ू निशान चुनाव जीत जाएगा तो पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे मनीष सिसोदिया, और ऐसा नहीं कि केजरीवाल 5 साल यहीं टिके रहेंगे। उनकी थ्योरी ये कहती है कि केजरीवाल यहाँ आएंगे, 2 साल बिना जंग लड़े काम कर लेंगे और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करेंगे। आप अनुशासन से बंधे हैं और आप ये भी जानते हैं कि सवालों को डॉज कैसे किया जाता है। क्या आप मुझे ये बता, क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? मैं इतना ही कह सकता हूँ, पंजाब का आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने कहा पंजाब का आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, ये मेरा यही मेरा अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री। अब आप समझदार हो, आप उससे ज्यादा भाई, अब मैं पंजाब का आदमी ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। और गोवा के मुख्यमंत्री पद के लिए आपके एक साथी का बार बार जिक्र होता है कयासों में, पत्रकार साथी का, उस पर भी धुंध साफ हो जाए। उनको मैंने बहुत मनाने की कोशिश की है, वो मान नहीं रहे अभी। अच्छा हाँ, नहीं ये बच्चियां आई हैं संगम विहार से, कोई बड़े होके एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर, इनका सवाल जी। सर आम आदमी पार्टी से है तो आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना, बीजेपी और कांग्रेस भी तो है, आपने उनको क्यों नहीं चुना? ईमानदारी की बात ये बेटा कि जब मैं टीवी में था, जर्नलिज्म में था, तो मुझे राजनीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं राजनीति को दिल से बहुत खराब मानता था, लेकिन जब ये लगा कि कहीं एक जगह ईमानदार राजनीति हो रही है और ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति के अंदर करियर बनाने के लिए नहीं आए। आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल कौन आदमी है? वो आईटी उन्होंने पास किया, आईटी के ग्रेजुएट हैं, जो हिंदुस्तान की बहुत कठिन परीक्षा है। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रॉस किया, जो दूसरी बहुत बहुत बड़ी परीक्षा है। और अगर उनको पैसा कमाना उनका मकसद होता तो वो IRS की नौकरी कर रहे थे, करप्ट हो जाते तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए बना लेते वो। लेकिन उन्होंने उसको लात मारा और उन्होंने कहा नहीं, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार मुझे नहीं करना है। मनीष सिसोदिया जी हैं जो एक बहुत सफल पत्रकार थे, कुमार विश्वास जी जो सफल अध्यापक और कवि हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगा कि देश की राजनीति में जो कुछ भी घटित हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, खराब हो रहा है, और इसमें ईमानदार लोगों को आना चाहिए। मुझे लगा कि उनकी बात सही है, मैं उनकी बात से कन्विंस हो गया, तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। मीडिया में बहुत सी ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जो बाद में होता है कि वो कोरी अफवाह निकलती हैं, तो मीडिया की कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि अगर आपने ऐसी खबर, जैसे अभी एक राष्ट्रवादी चैनल जो सेल्फ क्लेम राष्ट्रवादी चैनल है, उसने चलाया था कि 2000 के नोट पे चिप लगी होगी, बाद में वो खबर झूठी निकली, तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? देखिए सवाल माफी मांगने का नहीं है, पत्रकार की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है। आप किसी चीज को मेरी बात पर क्यों यकीन करेंगे? अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी विश्वसनीयता होगी, तो आप मुझ पर यकीन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर आप इनकी बात को यकीन करेंगे? तो जो लोग इस तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, दरअसल वो पत्रकारिता नहीं, दलाली कर रहे हैं। माफी मांगने का सवाल नहीं है, अगर कोई जानते बूझते अगर कोई मक्खी निगल रहा है तो उसको नहीं समझाया जा सकता। कोई आदमी जगा हुआ है, सोने का ड्रामा कर रहा है, तो उसको नहीं जगाया जा सकता। तो दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हमारे बीच में आ गए हैं जो सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, सत्ता के फायदे लेना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, और उनकी वजह से गड़बड़ियां हो रही। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और लड़ भी रहे इस संस्थान में रहते हुए।
आशुतोष जी, जैसा मैंने जिक्र किया कि हम लोग फेसबुक लाइव भी कर रहे हैं, एक सवाल आया, और चूंकि ये अनौपचारिक मंच है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लल्लन टॉप आदमी हैं, इसलिए आप यहाँ पर आकर चौतरे पर बैठ गए, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आशुतोष ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, चुनाव लड़े तो हार गए, दिल्ली सरकार में भी कोई पद नहीं लिया है, घर का खर्चा कैसे चलता है? मेरी पत्नी यहीं कहीं आसपास होंगी, उनसे पूछ लीजिए आप। मैं दरअसल अभी भी मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ फ्रीलांस राइटर के तौर पे, और उससे जितना पैसा आता है उससे मेरा अपना जेब खर्च चलता है। मेरा जो घर है वो मेरी पत्नी चलाती है, वो कमाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। अब ये तालियां उनके लिए, आप उनका नाम लें। आप उनका नाम लें, मनीषा जी, मनीषा, मनीषा के लिए जोरदार ताली। मसला ये है कि हमें जो टीवी के पर्दे पर लोग नजर आते हैं उनकी मेहनत दिखती है, उनकी उपलब्धि में, आशुतोष की उपलब्धि में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिक्र उनका भी होना चाहिए जो पीछे से खड़े हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चूंकि मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी भी पत्रकार थी, तो आशुतोष को वो सपोर्ट मिला घर से और इसलिए आपने ये फैसला ले पाए। आशुतोष, ऐसा है, पहले आप हिंदुस्तान अखबार से जुड़े थे, फिर IBN 7, तो हम सोचते हैं आपका कद बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था, लेकिन जब से आप आम आदमी पार्टी में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में आए, आपका कद बहुत छोटा हो गया, आप बौने से हो गए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये कद नापना, कद को मापना, ये आप लोग करें, हम तो इस मकसद से निकले हुए हैं कि क्या इस देश की राजनीति को हम बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। हमारा सिर्फ एकमात्र मकसद, दूसरा कोई मकसद नहीं है। पत्रकारिता कर रहा था, बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, बहुत अच्छा जीवन था, और एक सही का एक ड्रीम सैलरी होती है, उसको छोड़कर अगर आज मैं दूसरे रास्ते पर हूं, जहां मेरे पास 2-2.5 साल से मैं बेरोजगार हूं, तो इसलिए नहीं हूं कि मुझे कुछ पैसा कमाना है या अपना कद बढ़ाना या घटाना है। मकसद सिर्फ इतना सा है, क्या इस देश की राजनीति को मैं बदल सकता हूं मेरे साथियों के साथ या नहीं कर सकता हूं। अगर कर पाया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पाया तो देखेंगे। सरकार की जो नीति है और नीति के अनुसार जो उन्होंने 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए हैं, और बंद करने के बाद जो वहाँ अब स्टैम्प लाइनें लग रही हैं, और बैंक के अंदर जो आदमी, आम आदमी इतना दुखी हो रहा है, आपकी दिल्ली के अंदर यह हालत है कि सड़कों पे लोग ये डर रहे हैं कि क्या पता क्या हादसा हो गया, लेकिन वो लाइन में लगे हुए हैं पैसों के लिए। जब पैसे के लिए ATM तक पहुँचते हैं, पता लगा पैसे है नहीं। तो कृपया मुझे बताइए आप इसमें क्या, इसमें आप। और एक ही हमारे साथी हैं आशुतोष जी, इनका ये सवाल है। सर, अभी अभी जो पुराने आपके साथी थे उनके साथ आप लोगों का स्प्लिट हो गया है, तो आप बताना चाहेंगे कि आप उस उनका स्वराज इंडिया का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो ब्लैक मनी को ख़त्म करने का जो प्रयास है, ये प्रयास अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी योजना को लागू करने के पहले अगर उसकी अंतिम सीढ़ी तक उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, अगर आप उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप असफल होंगे। दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार ने ऑड एंड इवन लागू करने का फैसला किया, तो दिल्ली के बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े समझदार लोगों ने कहा कि असंभव काम है, इसको आप करो, आप नहीं कर पाओगे या फेल हो जाओगे बुरी तरीके से, और आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हमारे सामने एक द्वंद्व था कि कैसे करें इसको। हमने परामर्श के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, लोगों के सजेशंस आने लगे, उन सजेशंस के आधार पे हमने अपनी रणनीति बनाई, और एक एक पहलू, एक एक स्टेप को पूरी तरीके से सोच समझ के उसको लागू करने का प्रयास किया। और जब वही ऑड इवन जब लागू हुआ, तो फॉर्च्यून मैगजीन ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल दुनिया के 50 सबसे बड़े नेता का, मतलब राजनीति नहीं, जो दूसरे फील्ड में टॉप 50 लीडर्स में उनका नाम डाला। उसमें कोई ऐसा कोई बहुत चमत्कार नहीं था, लेकिन आपने लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं के आधार पे, लोगों के सुझाव के आधार पे, उसके आधार पे आपने योजना बनाई और उसको लागू करने का प्रयास किया, इसलिए हो गया। यहाँ अगर पहले से सोच लिया गया होता कि आप अचानक 2 नोट बंद कर दोगे, जिस गरीब के पास 500 रुपये हैं वो कल कैसे खाना खाएगा, जो अस्पताल में होगा उसका कैसे काम चलेगा, हमारे आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन उस गरीब के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो कैसे चलेगा, ATM पे पैसा आ पाएगा कि नहीं पैसा आ पाएगा, तो अचानक आप खड़े होकर अगर कोई फरमान जारी कर दोगे और अगर आप लोगों के सुझाव के आधार पर अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो असफलता आएगी आएगी। इसलिए आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ, लोग परेशान हैं। जहां तक आपका दूसरा सवाल है,
देखिए, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में जैसे आजादी की लड़ाई थी, उस आजादी की लड़ाई में भी बहुत लोग एक साथ चले। कुछ लोगों को लगा कि नहीं, आजादी की लड़ाई अधूरी है या ठीक से नहीं चल रही जैसे चलना चाहिए। तो सुभाष बोस और बापू के बीच में भी मतभेद थे। कांग्रेस पार्टी छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जी, वो उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। तो इससे कोई, इसका यह मतलब नहीं है कि वो दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने अलग रास्ता चुना, हमने अलग रास्ता चुना है। ठीक है, अगर हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर कुछ कर पाए, देश को बदल पाए, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने आशुतोष, एक सेकेंड, आपने जिक्र किया सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी का हरिपुर अधिवेशन। आखिरी बार आशुतोष की योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से कब और क्या बात हुई थी? नहीं, मैं आखिरी बार मेरी बातचीत करीब 1.5 साल पहले हुई थी, और उसके बाद नहीं बातचीत हुई। और लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे पास अच्छा, लेकिन मेरा ये मानना ये है कि राजनीति के अंदर कोई दुश्मनी नहीं होती। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, हम एक दूसरे के विचारों को जितनी तीव्रता के साथ, जितनी प्रखरता के साथ उसका विरोध कर सकते हैं, और अपने अपने विचारों को जितनी तीव्रता के साथ हम रक्षण कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। लेकिन सिर्फ आपके विचार और हमारे विचार नहीं मिलने, इसलिए मैं आपको दुश्मन मान लूँ या मैं उनको दुश्मन मान लूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो मेरे पहले भी अग्रज थे, दोस्त नहीं कहूँगा, अग्रज थे, उनका सम्मान था, आज भी उनका सम्मान मैं दिल से करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो चंद बहुत प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर सेफोलॉजी को एस्टैब्लिश किया है, ओपिनियन पोल सर्वे कैसे कराए, आजकल तो बहुत तरीके के लोग आने लगे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल उन लोगों में से जिन्होंने उस विधा को स्थापित किया, उसको विश्वसनीयता दी और उसके आधार पर राजनीतिक टिप्पणी करने का प्रयास किया, उस मामले में वो मील के पत्थर है और वो हमेशा रहेगा। तो हम ये मान के चलें कि मतभेद और मनभेद का जिक्र करने वाले आशुतोष किसी दिन दीवार को तोड़कर अपने अग्रज योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को फोन करेंगे? नहीं करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा ना, कोई दुश्मनी नहीं है जी। आप कहेंगे तो मैं अभी फोन कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुश्मनी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, आप एक रास्ते पर चलते हैं, आप जैसे मैंने पत्रकारिता का संस्थान छोड़ दिया, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो पिछले 23 साल से मेरे साथ थे, आज उनसे ना तो मुलाकात हो पाती, ना उनसे टेलीफोन पर बात हो पाती। एक बिल्कुल नए तरीके के लोगों के साथ में हो गया हूँ, जिनके साथ पहले कभी नहीं मिला मुलाकात की। तो जब आप एक साथ चलते हैं तो आपका एक कारवां साथ चलता है, आपकी जान पहचान दोस्ती हो उसमें हो जाती है, आप उनके साथ जीना मरना शुरू कर देते हैं और कुछ साथी पीछे छोड़ जाते हैं। अमूमन हम लोग के न्यूज़ रूम के जो किस्से होते हैं वो बाहर तक नहीं आ पाते, हम दूसरों के किस्से आप तक पहुँचाते हैं। आशुतोष से जुड़ा एक किस्सा मुझे कल पता चला, जो मैं आप लोगों के सामने, आशुतोष के सामने साझा करना चाहूँगा। आशुतोष पूरी ज़िंदगी पत्रकार रहे, ठीक, तो ज़्यादातर दोस्त भी पत्रकार थे। जब आशुतोष ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो जो हमारे यहाँ चलन है, संस्कार भी है, साथी हाथ बढ़ाना, तमाम पत्रकारों ने चुनाव लड़ने में मदद की। और मुझे ये किस्सा बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने कल ही बताया, बात चली काले धन की, इसकी उसकी, तो उन्होंने बड़े दावे के साथ, बड़े फख्र के साथ ये बात कही कि मैं आशुतोष के बारे में तो मैं हलफ उठा सकता हूँ। एक साथी आए, बोले हम इतना रुपए कैश देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में आशुतोष को, और ना तो मैं साथी का नाम लूँगा ना मैं रकम का। उन्होंने सिर्फ इतना बताया, आशुतोष ने, जबकि वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें बहुत ज़रूरत थी संसाधनों की, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कैश नहीं लूँगा, अगर आपको देना है तो चेक से दीजिए। आपके मतभेद हो सकते हैं आशुतोष से, आम आदमी पार्टी से, किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी जिक्र आए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता का, उसकी ईमानदारी का, तो हाथ उठाकर सलाम करना चाहिए। ऐसे ही सच्चे लोगों की बदौलत ये लोकतंत्र अपनी तमाम भिन्नताओं के साथ जीवित है। हमारे स्कूल में आप, मतलब हमारे संगम विहार में आपकी सरकार है, आप लोग कहते हैं कि आप लोग आम आदमी के लिए है, और हमारी क्लास में निष्ठा और प्रतिभा का डिवीजन है, आपके बारे में, आपके लिए इसका क्या ओपिनियन है? निष्ठा और प्रतिभा का इसमें ना डिवीजन हो रखा है क्लास में हमारे, जिसमें होता है कि यस, सो उसमें क्या होगा, जो निष्ठा के बच्चे वो थोड़े वीक बच्चे होंगे, उनको अलग से, अलग क्लास में बिठाया जाएगा, अलग तरह से मैम पढ़ाएंगी, और जो प्रतिभा में बच्चे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए, उनकी वो बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और उनकी टीचर उनको अलग तरह से ट्रीट भी करती हैं। ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैं, ये कब से चल रहा, इसी साल शुरुआत हुई,
वो जो बहुत सारे स्कूलों में ऐसा नहीं, मुझे मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ तक अगर इसके पीछे की सोच ये है, अगर नहीं अगर 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 इसके पीछे की सोच ये कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको अलग से पढ़ाने की ज़रूरत है, तो ये सोच अच्छी है। नहीं नहीं मुझे मुझे जानकारी नहीं है इस, है? नहीं 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 ठीक है ठीक है। और अगर अगर इसके पीछे की सोच ये है कि दोनों के बीच में बंटवारा करना है, तो फिर मैं निश्चित रूप से इसको मैं पता करूंगा, और पता करके अगर इसमें कुछ भी गलत है तो मैं कहूंगा कि ये खत्म। क्या नाम लेकिन है आपका? अभी मुझे जानकारी नहीं पूरी। निशा, ईशा, चूंकि हम लोग अभी भी पत्रकार हैं और आशुतोष भी भीतर से अभी भी पत्रकार हैं, और इन्होंने एक पत्रकार और तमाम लोगों के सामने वायदा किया है, वी विल इंश्योर दिस, कि इस पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार वो इस पे फॉलो अप करे, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने कहा कि कई स्कूलों में चल रहा है, तो मैं पता करा लूं। एक ओपिनियन धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद एक थोड़ी तानाशाही की जो वो आती है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आती है, कि वो भी उसी तरीके से आजकल बढ़ रहे हैं, उनका डिसीजन मेकिंग पब्लिक ओपिनियन पे बेस ज्यादा ना होकर अपनी पार्टी के अंदर खासकर एक तानाशाही का एक वो बढ़। नहीं नहीं ये आरोप सही नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ ये आरोप सही नहीं, क्योंकि मैं उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हूँ। हमारे यहाँ लगभग हर दूसरे दिन मीटिंग्स होती है, डिस्कशन होते हैं, बहस होती है, और उसके बाद फैसला होता है। ये बात अलग है कि उसको आर्टिकुलेट कौन करेगा, क्योंकि वो पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, तो जाहिर सी बात है हर फैसला उनके माध्यम से ही पब्लिक के बीच में जाता है, इसलिए उसमें कोई कोई दुविधा वाली बात नहीं है। और जब बड़े बड़े फैसले करने होते हैं तो हम जनता के बीच में जाते हैं, जैसे ऑडिवन का फैसला था, हमने जनता के बीच में गए, हमने कहा आप अपनी सलाहें हमारे पास दीजिए, हमने उनको सलाहों के आधार पर काम किया। सर, केजरीवाल जी पंजाब जाते हैं और कहते हैं कि हरियाणा का हम पानी बंद कर देंगे, तो तभी हरियाणा के मंत्री का बयान आता है कि आप अगर पंजाब से पानी बंद करा दोगे तो एक मिनट में हम दिल्ली का पानी बंद कर देंगे। तुरंत केजरीवाल जी आके माफी मांगते हैं। क्या ये दो प्रदेशों को बांटने का अपने हिस्से के लिए आप जा पंजाब जाके ये कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या ये किसानों को बांटने का वो नहीं है? मुझे लगता है कि आपके तथ्य सही नहीं है। एक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका पानी बंद कर देंगे, उन्होंने ये कहा था कि जो हक पंजाब का है वो पंजाब का हक उनको मिलना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान के हम सब लोग वासिंदे हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, पंजाब हरियाणा के बीच में ऐसी हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से राजनीति ऐसी हो गई कि पंजाब को हरियाणा से लड़ा देते, हरियाणा को दिल्ली से लड़ा देते। नहीं नहीं, तब तो मैंने कहा उन्होंने ये कहा था पंजाब के लोगों का जो है उसके साथ अन्याय नहीं होना। मेरे ख्याल से काफी लोग ना आप पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन यूथ जो है ज्यादातर आपको सपोर्ट करता है, लेकिन अब हमने देखा है कि ना केजरीवाल जी और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी, दूसरी पार्टी भी जब कोई अच्छा काम गलती से कर देती है, मैं मानती हूँ आप लोग अच्छा करते हैं, लेकिन वो भी अगर गलती से कोई अच्छा काम करे तो प्लीज आप खुल के सपोर्ट करें। आपके सपोर्टर्स आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप बिल्कुल फेयर पॉलिटिक्स करते हो। प्लीज अप्रिशिएट कर दीजिए। थैंक यू। मैं क्या नाम है आपका? मैंने आपका ध्यान दो चीजों की तरफ दिलाना चाहा, आपने जो बात की बात अच्छी बात इसी थे। सवाल में मैं अपना सवाल हाँ। नरेंद्र मोदी की 2.5 साल से सरकार है, ठीक है, क्या नरेंद्र मोदी ने, चूंकि इन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की सपोर्टर हैं और ये चाहती हैं कि आम आदमी पार्टी तो अच्छा काम करती रहे, दूसरी सरकारें भी अगर अच्छा काम कर रही तो उसे एक्नॉलेज करें और आपके सपोर्टर नहीं जाएंगे कहीं, क्या 2.5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक भी अच्छा काम किया है आपकी नजर में? देखिए, मैं आपको याद होगा कि जब स्वच्छ भारत अभियान हुआ था, याद है, अकेली पार्टी थी जो खुद सुबह निकली और झाड़ू लगाया, और सिर्फ एक जगह नहीं, सब जगह। अगर देश हित में कोई काम हो रहा हो तो उसका विरोध क्यों करेंगे? देश हित में सर्जिकल स्ट्राइक, आप दोबारा उस वीडियो को देखें, हमने पहले दिन उसकी तारीफ की, यहां तक कहा कि हम प्रधानमंत्री जी को तमाम मतभेदों के बावजूद उनको सल्यूट करते हैं। हमने क्या कहा, विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करके धन्यवाद दिया। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपेगंडा कर रहा था, हमने कहा कि पाकिस्तान के प्रोपेगंडा का जवाब हिंदुस्तान को देना चाहिए, क्योंकि उससे भारत की सेना को लेकर जो भ्रम पैदा हो रहा है वो खत्म होना चाहिए। आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक का कभी विरोध किया, कभी नहीं कहा। आशुतोष, एक सवाल सब लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि स्मॉग की वजह से दिल्ली बहुत परेशान है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नई तरह की राजनीति का नारा और वादा करके सत्ता में आए
और इसीलिए दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े हैवीवेट्स को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया, मगर स्मॉग को लेकर आपकी तैयारियां अधूरी लगी, ये जनता का कहना है, आपका क्या कहना है? देखिए, स्मॉग एक ऐसी समस्या है जिसको सिर्फ एक सरकार नहीं इसका समाधान कर सकती है। तैयारियों में कमी हो सकती है और स्मॉग से निपटने के लिए ही ऑड इवन का फैसला हमने किया था, इतना बड़ा रिस्क हमने लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि जो दिल्ली की सीमा है, पंजाब में कुछ होता है तो उसका असर यहाँ पड़ता है, राजस्थान में कुछ होता है तो भी इसका असर पड़ता है, कहीं ठंडी हवा चलती तो यहाँ भी मौसम ठंड हो जाता है, कहीं गर्म हवा चलती तो यहाँ भी हो जाता है। स्मॉग में दो स्तरों पर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक तो जो दिल्ली के बाहर जहाँ फसल जलाए जाते हैं, और जिस दिन दिल्ली के अंदर हम रोज कहते हैं पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, पटाखे नहीं छुड़ाएंगे, पूरा कैंपेन, लेकिन मुझे लगता है पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा पटाखे इसी साल छुड़ाए गए, उसके अगले दिन ही पूरा माहौल के अंदर वो हो गया। और वहाँ से ये दूसरी बात क्या है, हम सब लोग, हम सबके पास गाड़ियाँ हो गई हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि सरकार अगर ऑड इवन की बात करती तभी हम गाड़ी पे चलना बंद करते। हम खुद क्यों नहीं तय करते कि हफ्ते के अंदर दो दिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक बेहतर नहीं होगा, और उसको बेहतर करने में आपको टाइम लगेगा, वो दो साल के अंदर नहीं हो पाएगा। आपको मेट्रो 15-20 साल पहले फैसला हुआ, अभी भी मेट्रो पूरे दिल्ली के अंदर नहीं चल पाई है। हम ये तय कर लें कि हम डीजल की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम ये तय कर लें कि हफ्ते में दो दिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम मेट्रो से चलेंगे, हम ये तय कर लें कि हम कहीं कूड़ा नहीं फेंकेंगे, हम ये तय कर लें कि हम अपने घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाएंगे, हम ये तय कर लें कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हम ये तय कर लें कि हम ऐसे जगहों पे नहीं जाएंगे जहां धुआं उठता हो या जहां धुएं का वो हो, तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार बिना जनता के मदद से कोई काम नहीं कर सकती। जी, आपने जिनके लिए तालियां बजाई थी, आशुतोष की ताकत, उनके ठीक पीछे खड़ी है मनीषा। आज अगर ये यहां पर आराम से घर, बिल्कुल घर की चिंता से मुक्त होकर बैठे हैं तो उनकी वजह से बैठे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि जिनका जिक्र सबसे ज़रूरी है, कई बार उन्हीं का नाम नहीं लिया जाता है महफिलों में, समागमों में।